गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। आज इसका इंट्रोडक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे डैशबोर्ड पे जो एक मैथमेटिशियन है GW लाइबनिट, इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट पे इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कि ये इंटीग्रल्स है क्या। देखिए, अभी तक जो आपने लास्ट चैप्टर्स में सॉल्व किया हुआ है वो आपका डेरिवेटिव था। अब ये जो इंटीग्रल्स होता है डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट है। जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया है वो भी इसी वजह से आया है कि जो दो प्रॉब्लम्स थी पहले, एक तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है तो उसका फंक्शन क्या होगा, और दूसरा ये प्रॉब्लम था कि अगर किसी ग्राफ, जैसे जो इरेगुलर ग्राफ्स होते हैं आपसे कर्व्स के अंदर कोई बाउंडेड रीजन आ रहा है तो उसका एरिया फाइंड आउट करना, और वो भी कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट आया। तो चलिए, अब हम लोग और कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ग्रीन बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस होता है। अब देखिए, जैसे कि हमने ddx, जो हमारा ddx डिफरेंशिएशन साइन x का होता था वो क्या होता था, cos x होता था। अब अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे cos x dx का, इसको इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है cos x dx, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइन x प्लस c। सी देखिए आप एक ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट होता है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि ये जो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है वो भी इसीलिए आया है, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो उसका फंक्शन क्या होगा, एक तो ये समस्या थी ये जानने के लिए, और दूसरा अगर किसी कर्व्स के अंदर आपका जो एरिया लाइज करता था किसी कर्व्स के अंदर, तो उसकी जो इरेगुलर शेप्स होती थी उस एरिया को किसी सर्टेन कंडीशंस के अंदर कैसे निकाला जाए, इन दो समस्याओं से निपटने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया। इफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx इज f(x), तो देखिए आप अगर इसका डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन निकालते तो ये fx आ गया। अब अगर हम उसी fx का ये इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये fx आएगा। अभी एग्जांपल जस्ट हमने बताया हुआ था ब्लैक बोर्ड पे। देखिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। ddx log x क्या होता था हमारा, 1/x आता था, बट यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/x dx का तो ये क्या आएगा, ये आएगा log x प्लस c। सी अभी बताया हुआ ये एक कॉन्स्टेंट होता है, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर किसी इंटीग्रेशन का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है। दूसरा ये है कि अगर हमें किसी इंटीग्रेशन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन निकालना है तो देखिए पहले तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आपका fx प्लस c आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन में। अगर कांस्टेंट भी आ रहा है किसी फंक्शन के साथ में तो उस कांस्टेंट को अलग से बाहर कर देते हैं और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, अगर k इज एनी कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है कि अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं और दे आर फाइनाइट इन नंबर्स आर फंक्शन ऑफ x, देन यहाँ पे जितने फंक्शंस दे रखे हैं उन सब का इंटीग्रेशन भी अलग अलग से फाइंड आउट करना है आपको। अब देखते हैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का। देखिए, इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन x पावर 3 dx इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, x पावर 3 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 n प्लस c यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा x पावर 4/4 प्लस c।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। आप डिफ्रेंशिएशन में भी ये चेंज नहीं होता था, सेम ही रहता था। इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी। इसके बाद ये देखिए जनरल फार्मूले आपके जो डिफ्रेंशिएशन का जस्ट एंटी डेरिवेटिव है, ये फार्मूले जो डेरिवेटिव में आपने फार्मूले पढ़े थे उसके ये इनवर्स है। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। इन द सेम वे ये आप फार्मूले इनको लर्न कर लेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएशन में सेक एक्स का क्या होता था, sec x tan x होता था, बट यहाँ देखिए इसका इनवर्स है। इंटीग्रेशन sec x tan x dx इक्वल टू sec x प्लस सी। इन द सेम वे ये आप देखिए फार्मूले आप इनको लर्न रखेंगे। कुछ देखिए अलग से भी फार्मूले हैं स्पेशल टाइप्स के, इनको भी याद रखना होगा। इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस सी, cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस सी, sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये बहुत सारे बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इनका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आप फार्मूले देखते थे, साइन इनवर्स x का क्या होता था, 1 अपान 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए उसी का इनवर्स फार्मूला रखा हुआ है। इंटीग्रेशन dx अपान dx मीन्स 1 अपान, एक्चुअली ये dx यहाँ भी आता है, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे dx लिख सकते हैं। तो therefore dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये भी फार्मूले आपने काफ़ी पढ़े हुए हैं, इनको लर्न रखना ही एक समस्या होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तभी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ आप स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स वन अपान, जैसे इंटीग्रेशन वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो देखिए इनको लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन द सेम वे ये आपके कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स के फार्मूले दे रखे हैं, इनको आप लर्न कर लेंगे। तो देखिए इन स्पेशल फॉर्म्स के फार्मूलों को अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन दिए होंगे वो इस फॉर्म में होंगे और आपको इन फॉर्म्स को पहचानने के बाद ये फार्मूलों को भी यूज़ करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं, और इस तरह की कुछ स्पेशल फॉर्म्स आपके सिलेबस से हटा भी दी गई हैं। जो डिलीटेड पोर्शन है आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें किस तरह के फॉर्म्स को यहाँ से डिलीट किया गया है। नाउ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, देखिए आपके अगर ये इस तरह के फॉर्म्स दिए गए हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की हेल्प से ही इनको हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना होगा और फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो 100% x की जगह आपको या तो a साइन थीटा या फिर a cos थीटा ही ट्राई करना होगा। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो आपको इसकी जगह x की जगह a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा इसको ही पुट करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए स्पेशल फॉर्म्स है ये, और इनके सॉल्यूशंस के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स दिए गए हैं, इनको आपको फॉलो करके ही ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर देखिए इंटीग्रेशन के कुछ ये फॉर्म्स आ जाते हैं, इनको आपको फॉलो करना है, इनके फॉर्म्स को देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें से कुछ डिलीटेड पोर्शन में भी आते हैं फार्मूले, उनको आप एक बार इस अपने सिलेबस को फिर से रिफ़र कर लीजिए। इस चैप्टर में जो जो डिलीटेड पार्ट्स हैं उनको आप उस वीडियो से देख लें, कौन से क्वेश्चंस और कौन से एग्जांपल्स को रिमूव किया गया है। इसके बाद फिर आप ये चैप्टर करते रहिए, आपके एग्ज़ाम्स में इससे काफ़ी पोर्शन आता है। जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसके पहले जो फार्मूले या फॉर्म्स इंटीग्रेशन के जो फॉर्म्स आपके यूज़ होंगे उसके बारे में एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।